अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरतु। वेलकम टू एसडीएमएस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल एंड एंग्लो उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूल। सब्जेक्ट इंग्लिश। वी विल स्टार्ट ब्रिज कोर्स टुडे। व्हाट इज़ द ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स इज़ अ कॉमन टॉपिक बिटवीन योर प्रीवियस क्लास एंड योर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो व्हाट इज़ द टॉपिक? The topic is active and passive voice, and especially today you will see the present tense, how we exchange active voice and passive voice in present tense. Okay, so let's start with the active voice and passive voice. Generally active voice mein hame sentences diye hue hote hai, at that time we have to change into passive voice. There is certain rules of this topic, active and passive voices, and we must follow this topic, these rules, sorry. So what's the voice change? Voice change. There are two type of voice, active voice and passive voice. So the process of changing one sentence from active to passive voice and passive to active voice is called voice change. Okay, voice change किसे बोलेंगे? Okay, और ये topic कैसा है? This topic, ये topic ऐसा है कि आपको basic से सीखना है और ये grammatical topic आपको 8, 9, 7, 8, 9, 10 यानी basic topic है ये grammar का। इसके जो रूल्स है वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। सो अगर ग्रामेटिकल कोई भी टॉपिक हो उसका हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो लाइक मैथ्स में हम किस तरह से, अगर फॉर्मूला पता हो तो हम इजीली कोई भी सम कर सकते हैं, सेम एज हमें अगर ग्रामर में रूल्स पता होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हम इजीली ग्रामर कर सकेंगे। ओके, इंग्लिश ग्रामर इज़ Not tough, okay? अगर आपको concept पता है, आपको rules पता है, if you know the rules and regulation and clear the concept, तो आपको grammar बहुत easy लगने वाला है। So ये जो process है कि हम active voice में जो sentence है उसको passive voice में change करेंगे और passive voice में जो sentence है उसको active में change करेंगे, it's called voice change, okay? So एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंट है? व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? ये दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो द फर्स्ट रूल देख लेते हैं। सो द रूल वन, यू हैव टू एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वन सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? आपको रूल वन क्या है कि यू हैव टू एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वी नो that what's the subject of sentence and what's the object of sentence. हम ये जो subject, predicate और object वाला concept है ये हमें पता है। okay, तो subject and object जो है उसको क्या करना है? exchange करना है उसकी place को। examples में हम देखते हैं, active voice में हम simple sentence देखेंगे, I eat rice, so here I is a subject, eat is a predicate verb और rice is a object, but in passive voice हम राइस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सब्जेक्ट में, और ये जो आई है उसको प्रोनाउन कर हम ऑब्जेक्ट में दे देंगे। फॉर एग्जांपल पैसिव वॉइस में देखिए, राइस रिप्लेस हो रहा है सब्जेक्ट की जगह पे, राइस इज इटन बाय मी। ओके, सो ये पहले हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद टेंसेस पे ध्यान देंगे। ओके, प्रेजेंट टेंस हमें सीखना ही है। So the second is passive voice, football is played by the boys. देखिए यहाँ पर हमें passive voice दिया है। अब how we identify the passive voice? तो जब object subject होता है तब हमें idea आ जाएगा कि भाई ये passive voice है। okay, boys जो है वो यहाँ पर object बना दिया गया। अब active voice में हमको क्या करना है? जो boys है, by जब कोई भी sentence में, most probably, सब नहीं but most probably sentences में अगर हम by देखेंगे, so हमें समझना है कि ये passive voice है। और active voice में simple sentence होगा, statement जो बोलेंगे वो। okay,
सो यहाँ पर बॉयज एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट. सो द बॉयज प्ले फुटबॉल. ओके, सिंपल स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखेंगे रूल टू. फर्स्ट रूल इज रिप्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. रूल टू, व्हाइल एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ, सॉरी while exchanging the places of subject and object, you have to focus on one thing. The form of the subject of an active voice has to be changed a little. The change happen as the following. जब हम subject and object को exchange करते हैं तो जब पूरे formation में थोड़ा change आने वाला है. According to subject change आएगा. Okay? According to subject, वो किस तरीके का change होगा? जैसा कि हम active voice में अगर If we have the I, then in passive voice, I converted into by me. Okay? Because in active voice, I is subject and in passive voice, I converted into object. So at that time, we put by me, okay, instead of I. So if we have the we in active voice, it's converted into by us. You, as it is by you, he, by him, she by her, they by them, and if we have the any kind of names like Sunita, Karan and all, at that time in passive voice we add by before this name. Okay, so by Sunita, by Karan, by George. Okay, so the second rule, active voice and passive voice, subject related. When we have a I in subject, in passive voice, it's converted into me. Okay? Likewise, rule 3. The most important change in a voice change is the changing of the verbs. Okay? First, subject and object replace karna hai. Second, according to subject, we have to change subject to object in passive voice. Alag alag ho jayega. Okay? And rule 3, verb pe concentrate karna hai. The most important change in a voice change is the changing of the verbs. This changing of the verbs depends on tenses. Okay, ye verbs jo hai, wo, okay, we know that the tense aapko pata hai. Ke tense related to verbs, verbs mein hi change hota hai according to tenses. So, this changes happens as the following. Or ye jo change hoga verbs, it's according to subject. For example, abhi present tense dekh lete. Hum basic 3 rules dekh gaye. First rule, okay, exchange of subject and object. Second, jab subject ko hum object karenge, to kya changes hoga? Okay? For example, by to lagana hai, by add karna hai, passive mein. But active mein, if we have the I, at that time passive voice, we add by me. Okay, is tarike se. Aur rule 3, kya hai? Ke verbs pe dhyan dena hai. Aur verbs kiske according chalega? Subject ke according chalega. Okay, ye teen cheezo pe dhyan dena hai. Voices change karenge jab. So the present tense mein, four division hai. First is a simple present tense, or present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay, so first hum dekhenge simple tense, simple present tense. Okay, ab kis tarah se verb change karne hai, hame pata hai ki subject ko object karna hai, object ko subject karna hai. Okay, aur subject ko jab object karenge to kis tarike se karna hai aur verbs change karne, but kis tarike se karna hai, how we change the verb in passive voice. Okay, so dekhiye, I drink milk, active voice mein. Present tense हमारे सीखने वाले से. I drink milk. So यहाँ पर we know that के I is a subject, drink verb है and milk is a object. So first तो हमें replace करना है, तो जो milk object है उसको हम subject करेंगे. So first लिखा हमने milk. So अब यहाँ पर देखेंगे कि milk singular है या plural है. Is, am, are. Present tense में to be के जगह पे क्या क्या use हो सकता है. Form of to be, is, am, are, do, okay, in present tense. So, यहाँ पर milk के साथ हम लेंगे is. And हमेशा
पैसिव वॉइस में एवरी टाइम इन एक्टिव पैसिव वॉइस वी यूज पास पार्टिसिपल सो ड्रिंकर ड्रंक होगा. मिल्क इज ड्रंक अभी हमने सीखा कि आई है जब सब्जेक्ट में हमारे पास एक्टिव वॉइस में तो इन पैसिव वॉइस वी कन्वर्टेड इनटू बाय मी. सो यहाँ पर आई कन्वर्टेड इनटू बाय मी. सो द सेंटेंस इज मिल्क इज ड्रंक बाय मी. ओके नाउ सो हियर यू कैन सी दैट द वर्ब ड्रिंक हैज चेंज्ड टू इज ड्रंक. ओके सो पास पार्टिसिपल रखना है. इट इज द बेसिक रूल ऑफ चेंजिंग द वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये बेसिक रूल है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है जो. एंड फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक रूल इज फॉर्मेशन जरूर लिख लेना अपनी बुक में. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस पास पार्टिसिपल. ओके वी थ्री दैट मीन्स के वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके पास पार्टिसिपल. ओके थोड़े और एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम. यू प्ले क्रिकेट. सो यहाँ पर यू है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में और क्रिकेट है वो सब्जेक्ट होगा. सो क्रिकेट के साथ हम यूज करेंगे इज और प्ले का पास पार्टिसिपल है प्लेड. सो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू. यू में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है. इफ वी हैव द यू इन एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू बाय यू. ओके सो ही मेक्स द प्लान्स. ही मेक्स द प्लान्स. सो यहाँ पर ही is a subject, makes is a predicate or verb and the plans is a object. So यहाँ पर passive में हम the plans जो है उसको subject में लेंगे. So plans is a plural. Okay? So यहाँ पर हम रखेंगे the plans are, makes converted into past participle made. The plans are made. He converted into by him because in active voice he is a subject but in passive voice he converted into object. So at the place of he we use by him. So the plans are made by him. They do the work. So here they is a subject, do is a predicate and the verb is a object. So in passive voice the verb is a subject. So the verb is do, did and done past participle. So the verb is done by them. They converted into by them. You have to know the past participle of the of all verbs. Okay. Okay. So, going to the next, change of verbs in present continuous tense. Continuous tense, we know that the words of formation of continuous tense is plus form of ing of verbs. Okay, ing verbs. So, the active voice, in active voice, here is example. The man is reading a book. Okay, so here the man is a subject, is reading, is a helping verb plus verb, ing verb, and a book is a object. So here, a book is being read by the man. Okay, so simply जो book है वो क्या होगा, subject बन जाएगा, convert हो जाएगा. तो so the, a book is, book is a singular. So here is being, it's a formation, is being plus past participle, are being, am being in continuous tense. If we have the active voice in continuous tense, at the time in passive voice, we put being between the helping verb and past participle. A book is being read by the man. Okay, so the basic rule of the voice change of present continuous tense is subject plus am is are plus being plus past participle. ओके ये दोनों जो हम देख गए सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड कॉन्टिन्यूस टेंस तो दोनों का जो फॉर्मेशन है वो आपको लिखना है. ओके सम एग्जांपल्स इसके एग्जांपल्स थोड़े देख लेते हैं हम. द बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क. बराबर इन एक्टिव वॉइस. सो इन पैसिव वॉइस मिल्क कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट. सो मिल्क अब मिल्क इज अ सिंगुलर. सो यहाँ पर हम इज रखेंगे बट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अभी देख गए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पास पार्टिसिपल होगा. सो इज बीइंग ड्रंक ड्रिंकिंग
बराबर ड्रिंकिंग मेन वर्ब होगा ड्रिंक एंड इन पास्ट पार्टिसिपल ड्रिंक का हो जाएगा कन्वर्टेड इनटू ड्रंक. सो द मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय द बेबी. ओके द स्टूडेंट्स आर ड्राइंग पिक्चर्स. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है और आर ड्राइंग इज अ ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स सॉरी आर ड्राइंग वर्ब एंड पिक्चर्स आर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. सो इन पैसिव वॉइस पिक्चर्स आर कन्वर्टेड इन टू सब्जेक्ट. सो पिक्चर्स आर पिक्चर्स इज अ प्लूरल. सो पिक्चर्स आर बीइंग ड्रोन. ओके ड्रो ड्र्यू ड्रोन. पिक्चर्स आर बीइंग ड्रोन बाय द स्टूडेंट्स. आई एम राइटिंग अ स्टोरी. सो यहाँ पर आई इज अ सब्जेक्ट एम राइटिंग इज अ वर्ब एंड स्टोरी इज अ ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर इन कन्वर्टेड इंटू पैसिव वॉइस अ स्टोरी इज स्टोरी बिकम सब्जेक्ट. सो अ स्टोरी इज ओके ये चीज़ कन्फर्म कर रखनी है हमको कि वर्ब जो है इज एम आर या पास्ट टेंस सीखेंगे जब वॉज वेर या हैव हैज वो डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट. हम क्या सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड होगा. ओके सो अ स्टोरी इज बिकॉज यहाँ पर जब एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो अकॉर्डिंग टू आई वी पुट एम. बट एट द पैसिव वॉइस वी यूज अ स्टोरी एज अ सब्जेक्ट. सो अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी. आई कन्वर्टेड इनटू बाय मी. ओके सो ये दो जो है इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस. ओके और लास्ट उसके बाद के दो वाले हैं वो नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे. सो यू हैव टू कंफर्म थ्री थिंग्स फर्स्ट एक्सचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड रिप्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ओके एंड व्हाट्स द चेंजेस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कन्वर्टिंग इनटू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या चेंज होगा जब हम एक्टिव में से पैसिव मिलेंगे और थर्ड इज वर्ब. ओके और किस तरीके से चेंज होगा वो भी मैंने आपको बताया. आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो याद रखना है. सिर्फ जिस तरह मैथ्स में हम फॉर्मूला याद रखते हैं ना इसी तरह सिर्फ आप जब भी ग्रामर सीखो तो ग्रामर में सिर्फ फॉर्मूला सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखा करो. इट विल बी ईजी फॉर यू. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो. ओके अल्लाह हाफिज़.